मुझे ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे बारबरीक? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये तीन बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं। और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यहीं ले सकते हैं, बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बारबरीक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ। परंतु स्मरण रखना बारबरी, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो।
प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है। बारबरीक, तुम असफल हुए। ना मैं असफल हुआ हूं और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा। और अब कोई भी बाण मेरे इस मरण स्थल को भेद पाएगा, ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। देह को त्यागने का कारण बनेगा। परंतु क्यों माता, आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? ऐसी क्या आवश्यकता थी आपको? मैंने जो किया उसकी आवश्यकता थी पार्थ, और अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी भी आवश्यकता है। परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पार्थ। ये सत्य है कि बारबरीक के ये तीन बाण अमोघ हैं। ये हमारे लिए शुभ समाचार है ना माधव? हाँ, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है विकोदर। ये युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के मध्य नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, ये युद्ध पाप और प्रतिज्ञा के मध्य है, ये युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य है। और अब ये तीन बाण और इन बाणों का धारक बारबरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण बारबरीक का अंत अब अनिवार्य है।
इसका वध अब अटल है। नहीं वासुदेव, मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदर्शन चक्र को पारवरी तक पहुंचने से पहले मेरे मस्तक से होकर जाना होगा। यही नियति है भीम, और तुम ये भली भांति जानते हो। बर्बरी का अंत अनिवार्य है, अन्यथा युद्ध में सबका विनाश निश्चित है। मेरे पास अब और कोई विकल्प शेष नहीं। मुझे बारबरीक का अंत करना ही होगा। किंतु माता, इसका कोई समाधान तो निकल ही सकता है ना? हम बारबरीक को युद्ध से दूर भी तो रख सकते हैं, तो फिर इसका अंत अनिवार्य क्यों? मैं अपने पुत्र को इसी क्षण जाने का आदेश दे दूंगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया ही नहीं। मेरे पुत्र पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग ना करें वासुदेव, मेरी विनती है आपसे। रुकिए पिताश्री। मैं यहां खाली हाथ लौटने नहीं आया था पिताश्री, मुझे इस युद्ध में भाग लेना ही है। मौन रहो तुम, तुम्हें अनुमान भी है तुम क्या बोल रहे हो? कदाचित मैं दृष्टा कर रहा हूं पिताश्री, परंतु मैं एक योद्धा भी हूं और एक सच्चा योद्धा। युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके लौटता है या वीर गति पाकर। क्षमा कीजिएगा वासुदेव, परंतु युद्ध में बाबरी के भाग लेने से हमें क्या हानि होगी? बाबरी हमारे पक्ष से युद्ध करेगा, हानि तो केवल कौरवों को होगी वासुदेव। नहीं युधिष्ठिर, जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों बारबरीक, मैंने उचित कहा ना? मैं समझा नहीं वासुदेव। बारबरीक निश्चित रूप से हमारे पक्ष में लड़ेगा, तो इसमें क्या संदेह? पौत्र, सत्य यह है कि मैं इस युद्ध में निर्बल पक्ष की ओर से भाग लूंगा। माता के समक्ष स्वयं को वचन दिया है मैंने, परंतु समस्या क्या है वासुदेव? ये तो स्पष्ट है कि हम पांडवों के पास 7 अक्षणीय सेना है और कौरव के पक्ष में 11 अक्षणीय सेना। कौरव के पक्ष में पितामह भीष्म
और गुरु द्रोणाचार्य भी है। शक्ति गणना के अनुसार कौरव का पलड़ा हमसे अधिक भारी है, इसलिए बार्वरिक हमारे ही पक्ष में युद्ध लड़ेगा। विनाश तो होगा प्रभु, परंतु केवल कौरवों का। मैं आपको वचन देता हूं, मेरे परिवार को हानि पहुंचने से पूर्व मैं अपना शीर्ष आपके चरणों में रख दूंगा। तुम सत्य नहीं देख पा रहे हो वीर। तुम जानना चाहते हो बार्वरिक, यदि तुमने इस युद्ध में भाग लिया तो क्या होगा? तो देखो, तुम्हारा स्वयं को दिया गया वचन इस युद्ध को किसी भी दिशा में जाने नहीं देगा बार्वरिक, इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। तुम निश्चित रूप से आरंभ में पांडवों के पक्ष में रहोगे, क्योंकि आरंभ में पांडव कौरवों से निर्बल होंगे, परंतु शीघ्र ही ये परिस्थिति बदल जाएगी बार्वरिक। जब कौरवों का विनाश प्रारंभ होगा तो शीघ्र ही पांडवों का पलड़ा कौरवों से अधिक भारी हो जाएगा, और तुम अपने वचन के कारण संतुलन बनाए रखने के लिए अपना पक्ष छोड़कर कौरवों के पक्ष में चले जाओगे, और उसके पश्चात तुम पांडवों पर प्रहार करने लगोगे, और इसी कारण इस युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही सत्य है बार्वरिक, यदि तुम इस युद्ध में हुए तो यही होगा। तो मैं क्या करूं प्रभु? संसार का हर योद्धा अपना युद्ध चुनता है, क्या मुझे ये युद्ध चुनने का अधिकार नहीं? योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता बार्वरिक, युद्ध अपना योद्धा चुनता है। तो आदेश दें प्रभु, मुझे क्या करना है? ये युद्ध एक यज्ञ है बार्वरिक, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा, स्वयं के प्राणों का दान। नहीं पौत्र, नहीं। नहीं बात, आप ही कहते हैं ना प्रभु,
कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूं। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था। भगवान श्याम को अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। क्या मेरी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी? मैं वचन देता हूं बारप्री, इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि इस युद्ध में तुम मेरी सहायता करना चाहते हो बारबरिक, तो तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से विरक्त करना होगा, और इसका केवल एक ही मार्ग है जो तुम भली भांति जानते हो। मैं समझ गया प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूं। भगवान श्याम की। नहीं, पुत्र पार्वती। कामना थी इस युद्ध का साक्षी बनने की, वो भी अधूरी रह गई। उसने स्वयं के साथ भी अपनी अंतिम कामना का भी अंत कर लिया। नहीं घटोत्कच, ये अंत नहीं, प्रारंभ है। बारबरीक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बर्बरीक इस महाभारत का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेगा। बर्बरीक का ये त्याग, ये बलिदान
व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सदैव अपने साहस बुद्धिमता इस महायुद्ध के इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बारबरीक। संसार तुम्ही से जाने कि इस महायुद्ध में जो कुछ भी हुआ धर्म के अनुसार हुआ और इस संसार के अंत तक तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे बारबरीक। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान के तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बारबरीक। और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। तुम हर उस निर्बल की सहायता करो जो तुम्हारे समक्ष सहायता मांगने आएगा। वीर बारबरीक, तुम अपने साहस के लिए जाने जाओगे, महाभारत के निर्णायक के रूप में जाने जाओगे, शीश दानी के रूप में जाने जाओगे। इस युद्ध रूपी यज्ञ यही नियति है विजय की। विजय बलिदान मांगती है, विजय दान मांगती है। दानी बारबरीक, तुम सदा अमर रहोगे।